नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ शिवम सोनी। खबर मुंगेली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल कर्मचारी ने पोस्टमार्टम के लिए मृतक के परिजन से 1,500 रुपए पोस्टमार्टम के एवज में मांगे। पोस्टमार्टम के बाद कर्मचारी ने शव की सिलाई करने से इनकार कर दिया। सिविल सर्जन के सामने कर्मचारी ने एडवांस लिए थे, 500 रुपए एडवांस लिए गए। परिजनों का आरोप है कि शराब पीने के लिए इन रुपयों की मांग की गई थी। तो बड़ी खबर मुंगेली से, जहां पर पोस्टमार्टम के एवज में कर्मचारी के द्वारा 1,500 रुपए मांगे गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित कश्यप फोन लाइन पर जुड़े हैं मुंगेली से। रोहित, जब पोस्टमार्टम के एवज में 1,500 रुपए कर्मचारी मांगता है तो लगता है कि मानवता शर्मसार हो गई है। जी देखिए, बता दूं कि मुंगेली जिला जो है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव के प्रभार वाला जिला है, और लगातार उनके फटकार के बाद भी यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कई बार मुंगेली के जो जिला अस्पताल है उसमें मानवता को शर्मसार कर देने का मामला आया है। ये जो ताजा मामला है वो भी कुछ इसी तरह का है। दशहरे के दिन एक शख्स की मौत हो गई थी एक्सीडेंट में, जिसके बाद शिनाख्त नहीं होने के कारण उसके शव का पीएम नहीं हो पाया था, और आज उनके शव का पीएम होना था। जो स्वीपर है, जो पीएम करने वाला जो कर्मचारी है अस्पताल का, उनके द्वारा मृतक के परिजनों से 1,500 रुपए पैसे की मांग की गई, उसके बाद ही उन्होंने पीएम करने की बात कही। लेकिन परिजन जो है उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे, मन्नतें करते रहे, उसके बाद भी नहीं माने। फिर उन्होंने इसकी शिकायत जिला अस्पताल के जो प्रबंधक है डॉक्टर आर के ओ आर्या, उनके जो चेम्बर है वहां जाकर उन परिजनों ने शिकायत की, जिसके बाद उक्त जो कर्मचारी जो पैसे मांग कर रहा है उनको बुलाया गया। और उस बीच में हैरानी की बात ये है कि जो सिविल सर्जन है उनके सामने में भी 500 रुपए उन्होंने आखिर में पैसा ले ही लिया मृतक के परिजनों से। और वहाँ पास जो मौजूद जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी जो चुप्पी रहती है वहाँ पास, वो जरूर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि उनके चेम्बर में 500 रुपए घुस वो भी पीएम करने के लिए, और वो इस बात के लिए अड़ा रहा कि जब तक पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक सिलाई नहीं किया जाएगा। आधे बीच में छोड़ दिया था पीएम करने के लिए। जी, तो इस पूरे मामले की शिकायत किन अधिकारियों से की गई है, क्योंकि सिविल सर्जन के सामने कर्मचारी को 500 रुपए दिए गए परिजनों के द्वारा, अधिकारियों को क्या कहना है, किस तरह की कार्रवाई की बात की जा रही है? रोहित, बहरहाल जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने सिविल सर्जन से बात की है तो उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत कर्मचारी को पैसा दिया जा रहा है और उनका वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, उनके द्वारा कोई घूस नहीं लिया गया है, मैं खुद वहाँ मौजूद था, ये उनके द्वारा ये कथन कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि साफ आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि पैसे 500 रुपए पैसे मृतक के जो परिचय है उनसे लिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है उस कर्मचारी के द्वारा, ये तो हो गए 500 रुपए और दारू पीने के लिए और भी पैसे देने होंगे। तो इस तरीके का जो वीडियो जो है वायरल हो गया है, और वायरल होती ही पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पूरे वीडियो जारी होने के बाद और इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन वही है जिसने पैसे इसके सामने दिए गए थे? जी, सिविल सर्जन उन्हीं के सामने ही पूरा कुछ वाक्या हुआ है, पूरा मामला जो है उन्हीं के सामने उनके चेंबर में हुआ है, और उन्होंने खुद इस बात स्वीकार की है कि उनके सामने में ये सब कुछ मामला जो हुआ है, लेकिन उन्होंने पैसे लिए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया है। हमारे साथ डॉक्टर भू आर्य सिविल सर्जन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भू आर्य साहब, आपके सामने ही कर्मचारी को 500 रुपए दिए गए? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ पा रही मेरी साहब, यहाँ पे कुछ डीजे वगैरह बज रहा है तो आवाज नहीं आ रही है। जी डॉक्टर साहब, आरोप है कि आपके सामने 500 रुपए का नोट कर्मचारी को दिया गया जो पोस्टमार्टम कर रहा था, ये बात सही है? नहीं नहीं, वो ये सब बात सही नहीं है, उनको जबरदस्ती 500 रुपए दिया गया। तो सर जबरदस्ती 500 रुपए कोई क्यों देगा किसी को, आप बताइए? आप किसी को जबरदस्ती 500 रुपए दे सकते हैं? नहीं, वो नहीं ले रहा था, वो ले ही नहीं रहा था, पैसा मांग ही नहीं रहा था। उसको बुलाया गया था कि पैसा किसने मांगा, ये तस्दीक करने के लिए बुलाया गया था कि किसने मांगा किसने दिया। ये परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि शव का पोस्टमार्टम के लिए 1,500 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद
आपके सामने 500 रुपए का नोट कर्मचारी को दिया गया। पूरा वीडियो हमारे पास है, सुराज एक्सप्रेस लगातार तस्वीरें दिखा रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता इन तस्वीरों को देख रही है। डॉक्टर ठीक है ना, वीडियो में देख लीजिए, वो जो है जबरदस्ती उनको 500 रुपए पकड़ा रहे हैं। 1500 की मांग की थी, इसके बाद 500 रुपए पे बात बनी। नहीं, पैसा मांगा ही नहीं गया उनके द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सिविल सर्जन डॉक्टर भुवारे, जिनके सामने 500 रुपए कर्मचारी को दिए गए थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार रोहित फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोहित, जो सिविल सर्जन हैं वो लगातार मना कर रहे हैं कि उनके सामने पैसे नहीं दिए गए, जबरदस्ती उन्हें 500 रुपए का नोट थमाया गया। एक कर्मचारी को रिलीव करने के लिए अस्पताल के एक कर्मचारी द्वारा 5000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, उस मामले में कार्रवाई भी हुई थी और उसको वहां से हटा भी दिया गया था। तो ये पहला मामला नहीं है, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब स्वास्थ्य विभाग की बदनामी होगी ये सोचकर अपने कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने में ही 500 रुपया दिया गया है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। और जो जिनको पैसा दिया गया है वो खुद बोल रहे हैं कि ये 500 रुपये ले लिया मैंने और दारू पीने के लिए आपको अलग से देना पड़ेगा। निश्चित रूप से रोहित, अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपियों पर किस तरह की कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।